क्या लगा जो इससे पहले कभी नहीं लगा वो लगा बिल्कुल। बहुत सारी अलग, ये जो मेरी बिटिया बैठी है बहुत अलग लगी, और इसके साथ दोबारा मैं ये इस तरह का रोल तो नहीं करूँगा, बहुत मारा है इसने मुझे इतनी छोटी उम्र में, इसने पीठ पाट दिया है मुझे। और जो ख़ास तौर पे फिल्म के अंदर जो रिलेशन है फादर और डॉटर का, और उसके साथ साथ डायरेक्टर का, वो बड़ा कमाल का था कि इन्होंने खूब छूट दे रखी थी हमें, और इन्होंने खूब छूट ले रखी थी, और उसी छूट के बीच में मैं फंसा हुआ था। ये झूठ है? नहीं, बहुत सच है। आप फिल्म देख लीजिए, अगर एक लफ्ज़ भी गलत बोलूँगी तो इन्होंने बिल्कुल मेरे लिए हैं बेटी, लेकिन माँ का रोल अदा किया है। हाँ, जैसे माँ डांटती मारती पीटती है वही इन्होंने किया है। कोई खबरदार जो बस कीजिए, खबरदार जो गलत रास्ता इख्तियार किया, तो मैं इनको समझा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी देखी, फादर ने अपनी ज़िंदगी देखी, और ज़िंदगी वो चाहते कि उसी तरह जैसे मैं कामयाब रहा या नहीं रहा, लेकिन एक सलीके से जो मैंने अपनी ज़िंदगी, इनको भी वो सलीका सिखाना चाहता, लेकिन नहीं, वो अपना सलीका मुझे सिखाना चाह रही है। इनका बीपी लो रहता, मेरा हाई रहता, तो सोचिए दोनों की क्या शुगर शुगर हाँ शुगर 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 है या बीपी शुगर, उससे बीपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। बीपी तो मैं आपका बढ़ाती हूँ। हाँ, बढ़ा देती है ना, तो बढ़ जाता है ना, तो शुगर। तो एक तो इसकी वजह से दोनों का जो जहन में जो उतार चढ़ाव वो बड़ा कमाल का, और ये लो में मुझे ज़्यादा मज़ा आया कि काश मेरा भी लो होता तो और चॉकलेट खाने और चॉकलेट खाने के लिए मिलते हैं। लेकिन वाकई सच्ची कह रहा हूँ मैं, तो तहे दिल से कह रहा हूँ मैं कि इस फिल्म की जो जो स्क्रिप्ट में जो खूबी थी हाँ वो यही थी कि कैरेक्टर जिस तरह से इसमें बुने गए हैं, उनको खासतौर मैं तो इन्हीं के साथ मेरा रहा है, तो बाकी भी रहे होंगे, क्योंकि जब खुद का है तो दूसरों के भी रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जिस खूबी से खूबसूरती से फिल्म को शूट किया गया है तो फिल्म भी बड़ी खूबसूरत बनेगी, मैं पूरा मुझे यकीन है। तो बस ये है कि 21 तारीख बड़ी जल्दी आने वाली है, और मैं चाहूँगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और हमारे लड़ाई झगड़े भी देख लें, हमारी मोहब्बत भी देख लें, सब कुछ देख लें। जो और जिस तरह से बड़े इत्मीनान से जो फिल्म पूरी ये बना गए, बड़े कम समय में, लगा 30 दिन लगे होंगे, गलत नहीं, 30 दिन में किया, मेरे तो बहुत कम थे 30, तो इसलिए कि अगर 30 दिन होते तब भी मैं वहीं मौजूद रहता, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। बिल्कुल शूटिंग काम कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग रह रहे थे, और जब ऐसा माहौल बनता है तो काम अपने आप बेहतर हो जाता है। तो बस इसी बेहतर की उम्मीद करते हुए मैं भाषण खत्म करता हूँ, अपना भाषण खत्म करता हूँ। आप दोनों की बाप बेटी की केमिस्ट्री काफ़ी खूब नज़र आने वाली है जी, और बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। सो यूजुअली हम पापा बेटी वाला जो इक्वेशन होता है वो बहुत रिजर्व्ड होता है, या ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके तरीके से मैं ज़िंदगी जीऊँ, और मेरा खुद का एक तरीका है जो मुझे समझ आता है, और मैं पापा से कहती हूँ कि आप समझिए अब ऐसे चलता है। तो वैचारिक मतभेद जी, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सो पापा पुलिस की ड्यूटी में रहे हैं, और मैं पुलिस की ड्यूटी में अभी नई नई आई हूँ, तो मैं आइडियलिस्टिक हूँ, और पापा कह रहे कि उन्होंने दुनिया देख रखी, तो कह रहे कि थोड़ी स्मार्ट बन, आइडियल के पीछे मत जा। सो बेसिकली प्रेक्षा सिस्टम में जब आती है तो वो सिस्टम को बदलती है, या सिस्टम उसे बदलता है, वो पूरा। सो हमारा जो इक्वेशन है वो कभी, आई डोंट थिंक पापा बेटी का इक्वेशन ऐसा ऑन स्क्रीन आया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि फादर चाहे जो गलतियाँ मुझसे हुई है, जो मैंने गलत रास्ता है, खैर वो उसमें ना जा और बस यही दोनों की, अच्छा तुम ही कर सकते, मैं नहीं कर सकती, तुम ही अपना, तुम ही समझ सकते हो, मैं इस दुनिया से मैं जी रही हूँ जो आज के ज़माने में जी रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से रास्ता नहीं अख्तियार कर सकती, बना सकती। तो यही जो कश्मकश है बड़ी मज़ेदार सी है। लेकिन देखा जा रहा है फिल्म का शूट तो कंप्लीट हो चुका है, ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन आपकी केमिस्ट्री अभी भी ऐसा हो, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाप बेटी नहीं है। वैसे हाँ बिल्कुल वैसे ही हुआ था, क्योंकि मतलब हम जैसे हमने कहा कि थोड़ी टकरार है, वो ऑन स्क्रीन था, ऑफ स्क्रीन हम गाने गाते थे साथ में, तो ये तो वही था, वही शुरू हो गया था। हाँ मत बताइए 21 तारीख को देखिए। हाँ, क्योंकि अगर कहानी बताएगी तो आप भी नहीं देखेंगे कहानी। हमने इसलिए घुमा फिरा के हमने अपनी बातें कह दी जो हमारे किरदार हैं,
कहानी बताने के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। अगर आप कहानी बताने संक्षेप में कुछ ऐसा बता सकते हैं, बहुत संक्षेप में ऐसे कि कहानी समझना है, कहानी समझना है, मिस्ट्री है ना। यस यस, कहानी कोरोना काल में एक मर्डर हो जाता है, उसको सॉल्व करते करते जो हमारी मेन किरदार है प्रेक्षा मिश्रा, प्रेक्षा शर्मा, वो अपने बारे में क्या सीख जाती है, क्या वो मतलब आइडियलिस्टिकली अभी भी बिहेव करती है, और या फिर वो अपने पापा की बात सुन के सिस्टम के साथ मोल्ड हो जाती है। तो कहानी इस बारे में है कि ये मर्डर मिस्ट्री कैसे सॉल्व होता है। एंड इसका कूल क्वेश्चन ये है ना कि इसमें रैप एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। सो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं जो रैप करना चाह रहे हैं और जो अपनी उनका एक खुद का जर्नी है। सो कभी आई डोंट थिंक कॉप वाली थ्रिलर फिल्म में रैप यू नो इंटर लाइक वो कुछ अलग ही होगा। एग्जैक्टली, सो इट्स मिस्ट्री मूवी में रैप का तड़का लगेगा ऐसा कुछ। एग्जैक्टली यस, सो कैसे फैंस के लिए भी लोगों के लिए भी कुछ अलग होगा। एब्सोल्युटली नई ट्रीटमेंट, नए 14 तारीख को गाना रिलीज हो रहा है। ओके जी, वेट कीजिए, YouTube पे जरूर आएगा, मतलब जी म्यूजिक के चैनल पे जल्द आने वाला। आप बताइए आपको सर के साथ काम करने में कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग, काफी सीनियर है वो, उनको तो भाई एक्टिंग का एक चीज पता है। सो उनकी ब्यूटी ये है कि वो आपको कभी जूनियर की तरह ट्रीट नहीं करते, वो हर एंड इट्स नॉट जस्ट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन वो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। तो आप बताइए, मतलब आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना मज़ा आया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने इनके साथ काम ही नहीं किया। हाँ हाँ, जेन्युइनली इट वाज काम की कोई ऐसा मतलब ऐसे देयर वाज नो एक्टिंग दैट वी नॉर्मल ऐसे जैसे रियल लाइफ में होता है। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सम हाउ इट हैज सो हैपन कि मेरी और सर की काम करने का जो तरीका है ना वो बहुत सिमिलर है। हम बहुत इंट्यूशंस पे काम करते हैं, बहुत तभी जो फील हो रहा है उस हिसाब से काम करते हैं। सो वो बढ़िया रहा। सर आप तो कई कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हो, लेकिन जो इसमें आपका वो आपको कैसा लगा, आप पर्सनली अगर जानना चाहें तो इस कैरेक्टर की बात। पप्पा वाला मैंने ऐसा पप्पा कभी नहीं किया, सच्ची कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक आध बार और मिले पप्पा ताकि बेटी को भी मार सकूँ या कोई पीट सकूँ। हाँ मूवी में तो बाकी इस मैं मेरे लिए पहली दफ़ा था इस तरह। मेरे लिए भी ये था कि जब प्रतीक ने उसमें ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी पर जिस बारे में पापा बात कर रहे हैं अभी, वो जो सीक्वेंस है वो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो मुझसे नहीं होगा। तो प्रतीक ने कहा ये आप नहीं करोगे, ये तो प्रेक्षा करेगी। सो ऐसे बहुत छोटी छोटी जगहें थी ना जहाँ जो प्रेक्षा शर्मा है वो मॉरली बहुत अलग है मुझसे, तो ही हैड टू टेल मी कि दिस इज़ नॉट यू एंड दिस इज प्रेक्षा शर्मा टिल वी एक्चुअली गॉट ऑन द फ्लो एंड वी स्टार्टेड शूटिंग। मुझे स्माइली नहीं करने दिया यहाँ, मतलब मैं बता रही हूँ इन्होंने कहा कि जो जो हो ना वो नहीं है प्रेक्षा शर्मा, सब माइनस करो। मज़ेदार होता है यार, मतलब जब कोई एक्टर मतलब ये प्रोफेशन क्यों चुनता है, क्योंकि आपको अलग अलग लाइफ जीने मिलते हैं राइट। तो मुझे बहुत मज़ा आया शर्मा करने में, बहुत अलग है मुझसे, मतलब आई कॉल है शर्मा, प्रेक्षा शर्मा करने में मुझे बड़ा मजा आया। जैसे कि इसमें नागपुर फाइल्स दी है, तो आप बताना चाहेंगे कि क्या नागपुर की ही स्टोरी है या फिर सिर्फ किसी और वजह की वजह से इसको नागपुर फाइल्स दी है? नहीं, नागपुर में जो ये मर्डर मिस्ट्री हो रहा है ये कैसे एक अंडरबेली में छुप जाता है और इसको और किस तरीके से नागपुर में ये इंट्रीगिंग बात है। नागपुर फाइल्स इसलिए भी है क्योंकि नागपुर का स्लैंग है, नागपुर की टीम है और कहानी नागपुर में बेस्ड है क्योंकि नागपुर का एक अलग टेक्सचर है। नागपुर में जो पावर प्लांट्स है, नागपुर में जिस तरीके का लैंडस्केप है, तो वो मेरे को इनकॉर्पोरेट करना था। जो आपको इन जनरल जब फिल्म में देखेंगे तो आपको एक नया छोटा शहर दिखेगा जो कि अभी तक इतना एंड इन्होंने जिया है, ये नागपुर से है। हाँ, तो इसीलिए इस मूवी में उसका रिलीजन भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऊपर के सामने आ गया। रिलीजन है मतलब मेन नागपुर की स्टोरी है, आप भी नागपुर से, नागपुर में इस का पूरा शूट हुआ है, तो फिर कनेक्टिविटी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। डेफिनेटली। हम बात करेंगे आपको कास्ट आपके कैसे लगे, क्योंकि वो लोग के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? मेरी केमिस्ट्री रुचा के साथ एक्चुअली कहानी बस नरेट करने की देरी होती है। कोई भी एक्टर से जब आप नरेशन में जाते हो तो एक बार
तो वो अगर एक्टर को पसंद आई कहानी तो वो अपने आप को उसमें और डालने की कोशिश करता है, और अगर कहानी पसंद नहीं आई तो ऑब्वियसली आपको अवॉइड कर देंगे। तो कहानी जब जब जिसके पास भी मैं नरेट किया वो कितना अपने कैरेक्टर को रिलेट कर पाया, तो उस तरीके से हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाते गए। तो वो रुचा के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जो कहानी पहली बार मैंने नरेट की थी और जो मैंने शूट किया था उसमें काफ़ी अंतर है। और हमारे काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं। तो हमने किरदार फिर बनाए कि ये मतलब एक्टर खुद भी मेरे को बोलता है कि इसको ये ऐड होना चाहिए, सर ने मेरे को बहुत सारे इनपुट दिए कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ऐसे कर करके हमने किरदारों को और बनाया और स्ट्रॉन्गर बनाया और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। बस आपका बेस्ट मोमेंट क्या था इस मूवी में कि आप इस ज़ोन में जाना चाहेंगे? आई थिंक हमारा ही रहेगा। मेरा तो तब तक अभी मुझे धक्का मारा था। बहुत बुरा था यार तब तो, मतलब जैसे ही कट हो जाता तो बस जाके सॉरी सॉरी आपको लगी तो नहीं ये सब होता और था। मुझे लग जाती तो मैं मना कर देता नहीं नहीं लगी। नहीं बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक नई टीम थी, सो नए टीम की बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी होती है विच वॉज़ वेरी नाइस, एंड कुछ बढ़िया दोस्त बने विच वॉज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड सो या एंड आई डोंट थिंक मैंने इस स्पेस को कभी टैप किया था, थैंक्स टू हिम मतलब इस स्पेस को पहली बार टैप किया। सर आपके लिए कौन सा बेस्ट मोमेंट था? इनको छोड़कर नहीं नहीं सारे थे मेरे लिए, बहुत सारे थे। क्यों पहले दिन पहुंचा तब भी मेरे लिए लगा कि एक अच्छे माहौल में आ गए, वो पहला दिन ही मेरे लिए यादगार था और यकीन हो गया था कि बेहतर काम हो गया यहाँ पर। तो अगर हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो आप और आपके लाइन में और क्या क्या लाइन? लाइन में पहले ये है यही कमिंग में ये है, इसके बाद पंचायत भी है और एक दो फिल्में और हैं जो की हुई है मैंने, और जिस तरह इनका इससे पहले नाम कुछ और था चेंज कर दी, उनका भी चेंज हो जाए तो फिर आप कहेंगे मैंने झूठ बोला है। इस वजह से दो तीन फिल्में हैं जो कंप्लीट है तकरीबन, और मेरी एक फिल्म अभी रेडी है जो काफ़ी अवार्ड्स ले रही है पूरे इंटरनेशनल सर्किट में, तो वो अभी रिलीज़ होगी आफ्टर दिस। और एक वेब शो है जिसका शूट ऑन है, और एक फिल्म है जिसका अब तक प्रेप शुरू नहीं हुआ है बट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, राइज एंड फॉल ऑफ एन एक्ट्रेस वाली, और एक है। सर आपके कौन से और आप कौन सी मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं आगे जाकर? कहानी तो बहुत लिखी हुई है मेरे पास, फिर से प्रोड्यूसर ढूंढने का। ये कहानी मतलब फिल्म पूरा बनाना मतलब एक बहुत एक नई शुरुआत होती है, तो अभी मेरे अंदर से मेरे को पहले ये क्लेंस करना पड़ेगा -31 मेरे अंदर से। ऐसे कहानी तो मेरे पास बहुत रखी हुई है जो मैं बनाना ही चाहता हूँ, बट अभी मैं अपने आप को ये फिल्म में पूरा रिलीज होने तक मैं मतलब मेरा क्लेंजिंग का प्रोसेस चल रहा है। वो लिटरली डूबे हुए हैं फिलहाल इस फिल्म में। तो सर 21 जुलाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मूवी लॉन्च होने वाली मूवी आने वाली है, फैंस को क्या बोलेंगे कि किस प्रकार वो देखने जाए? Don't go for Oppenheimer, go for -31. No, no, you can watch both. I'm a huge fan of Christopher Nolan. अगर मेरी खुद की फिल्म नहीं आती तो मैं वही फिल्म देखने जाता, but हाँ. Please go watch this film. It is a theatrical. The kind of music is very, very new, very, very fresh. All the characters are very real and very unassuming. आप ये सोचोगे ये करेगा but वो कुछ और ही कर जाता है. It is an entertainer, but it's a mystery. Come watch. मैं ये कहना चाहूँगा कि इस छोटी हाइट को बड़े पर्दे पे देख लीजिए। सर आपको ही लोग देखना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, वो इतनी खूबसूरती से पूरे खूबसूरत माहौल बना के फिल्म की गई है, तो देखना तो चाहिए क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है इस फिल्म से। तो आप भी अच्छी उम्मीद लेके जाइए, देखिए फिर हमें बताइए कि खामियाँ भी बताइए और खूबियाँ भी बता दीजिए बस। नहीं एक्चुअली अभी जस्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ और पूरे टीम ने साथ बैठ के ट्रेलर देखा एंड इट वाज सो कूल, सो द फिल्म इज़ वेरी कूल एंड इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस।